Dear students, welcome on RCA online Patsala. Now we start last question of exercise 14.3. Dekhiye, find the vector equation of line passing through the point this one. ठीक है एंड परपेंडिकुलर टू बोथ लाइंस. अभी बात समझ में, अब देखना ध्यान से. देखो क्या कहा है, ये जो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है ये इस पॉइंट से तो पास हो रही है, लेकिन इसके हमें क्वेश्चन ने डायरेक्शन रेशियोज नहीं दिए हैं, लेकिन ये बता दिया है कि जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दो लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर है. तो देखिए अब ध्यान से किस प्रकार से करेंगे. इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, या ऐसा भी लिख सकते हो और भी इजी लैंग्वेज में मैं लिख देता हूं, रिक्वायर्ड लाइन passes through the point 1, 2, -4 and having drs a b c. ये हमने assume कर लिया है, having drs a b c, then इट्स इक्वेशन विल बी. समझ गए क्या कहा है मैंने, रिक्वायर्ड लाइन. भाई हमें फाइंड आउट कौन सी करनी है, ये लाइन करनी है और उसमें भी क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में. तो मैंने कहा कि रिक्वायर्ड लाइन है पासेज थ्रू द पॉइंट कौन सा, 1, 2, -4 एंड हैविंग डीआरज क्या है, एबीसी. जब दिए नहीं है तो हमने अपनी तरफ से बोल दिया कि भाई एबीसी है, देन इट्स इक्वेशन विल बी क्या होगा बोलो, x -x1 / a, ठीक है, और y -2 / b और z + 4 / c. ये आपकी क्या है, रिक्वायर्ड लाइन है, इसको फर्स्ट नंबर डाल दो. देखो अब ये आया कैसे, ये मैं आपको 14.2 में बता चुका. देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आपने पहले का पढ़ा हुआ है तो अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं तो आगे आगे जैसे 3D बढ़ेगी आपको फिर दिक्कत आएगी. इतना समझ में आया, उसके बाद देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझो अब ध्यान से. इक्वेशन ऑफ लाइंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है, आप इन दोनों को नीचे मेंशन कर सकते हो, x -8/3 और क्या होगा, y +19/16 और z -10/7. ऐसे ही सेकंड भी लिख सकते हो आप, x -15/3 = y -29/8 = z -5/-5. देखो इसको नंबर 2 बोलो, इसको नंबर 3 बोलो, ठीक है. अब कैसे भी करके अगर हमारे पास एबीसी की वैल्यू आ जाए तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. तो देखना है हमसे क्या कहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन. इसका मतलब हुआ हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है, यानी लाइन फर्स्ट है, यही रिक्वायर्ड लाइन है, तो लाइन फर्स्ट है वो क्या होगा, वो हमारी लाइन 2 और लाइन 3 के क्या है, परपेंडिकुलर है. तो परपेंडिकुलर की कॉन्सेप्ट क्या होती है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 यूज करेंगे, आंसर निकाल देंगे. तो देखना ध्यान से कैसे आएगा, गौर करना आप क्वेश्चन पे. From question line first
परपेंडिकुलर या आप ऐसे भी कर सकते हो इक्वेशन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन सेकंड, समझ गए ना, ये वाली इसके परपेंडिकुलर है और सेकंड क्या लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट या लाइन फर्स्ट भी लिख सकते हो, एक ही बात है। इक्वेशन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू इक्वेशन थर्ड, कंप्लीट हो गया ना, थर्ड आर डी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो इसको करो 3a माइनस 16b है ना, a1 a2 और ये क्या होगा b1 b2 और ये क्या होगा c1 c2 इक्वल टू 0। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा और आएगा एटलीस्ट 6 मार्क्स का आएगा, क्योंकि इस बार आपको पता है सिलेबस रिड्यूस होगा तो उसका फायदा ऐसे क्वेश्चंस में मिलेगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका एग्जांपल भी है, उसको आप करने का कोशिश करना, और सिमिलर क्वेश्चन है वो एग्जाम में, मुझे लगता है कि इन दोनों में से एक आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक और है वो भी, तो 3a प्लस 8b माइनस 5c इक्वल टू 0, ठीक है। अब कैसे भी मुझे एबीसी की वैल्यूज बताना है, तो इसको तो मैंने नंबर डाल ही दिया 1 है ना। अब ध्यान देना, अब ये जो पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं, अब जो आगे स्टेप लिखूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं इस स्टेप में, ध्यान देना। मैं यहां a माइनस b और यहां मैं 1 अपॉन c अपॉन लिख लेता हूं, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, और एबीसी आपके न्यूमरेटर में मैंने लिख ही दिया। उसके बाद देखो आप क्या करो, इस a को ढक लो, ठीक है, उसके बाद बोलो 16 5 80, ये 80 लिख दिया मैंने, और उसके बाद बोलो माइनस और 56, ये तो डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व हो गया ना भाई, ये कितना आया 80 और ये क्या आया 56, कंप्लीट। अब देखो, अब बी वाले को ढक लो, बोलो क्या आएगा, बी वाला ढक लिया आपने, देखो क्या आया माइनस 15 और माइनस 21, क्लियर है ना। उसके बाद क्या करो, सी वाले को आप छुपा लो, तो क्या आएगा 24 प्लस में 48, ठीक है ना। जो आप निकालना चाह रहे हो ना उसको ढक लो, ए किया तो ए को ढक लिया, बी किया तो बी को ढक लिया, सी किया तो सी को ढक लिया। उसके बाद में क्या करना था, डिटरमिनेंट की तरह सोल्व करना है, ठीक है, और यहां से क्या ए अपॉन 24 बी अपॉन 36 और सी अपॉन 72, इसको आगे सोल्व कर लो आप 12 से क्या कर दो, इसको कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि डीआर होते हैं इनका, इनको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस होती है उनको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो यहां से क्या है आपको a अपॉन 2 इक्वल टू b अपॉन 3 और c अपॉन 6, इसको क्या बोल दो 4, ठीक है। अब आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड 4 we get the equation of required line आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी, डायरेक्ट लिख लो है ना, नहीं तो एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखना पड़ता। तो क्या करोगे एक्स अपॉन 1 अपॉन, देखो इस ए है ना, ये ए है ना, अब ध्यान देना मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, ए अपॉन 2 बी अपॉन 3 और सी अपॉन 6 को मैंने इक्वल के बोल दिया। तो यहां से देखो a अपॉन 2 इक्वल टू k, तो a की वैल्यू क्या हो गई 2k, b की क्या हो गई 3k और c की क्या हो गई 6k, है ना। क्या कहा मैंने, एक बार मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, उसके बाद में आपको पता लग जाएगा, लेकिन आपको जैसा मैं समझा रहा हूं ये लिखना नहीं है,
जैसे यहां पे मैंने बोला टू थ्री और ये आपका सिक्स आ गया। अब मैंने बोला ना ए को वैल्यू क्या आया 2k और b अपॉन 3 इक्वल टू k, तो b का वैल्यू क्या आ गया 3k और c का वैल्यू क्या आया 6k। आपके अनुसार मुझे लिखना क्या चाहिए था 2k 3k 6k, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात याद रखना k से k तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उनको लिखने की नीड है क्या? नहीं है। तो आप एस टाइप के जब भी क्वेश्चन करें और आपके पास ए बी सी के वैल्यूज आ गई और आपको इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है तो इसको आपने कौन सा नंबर दिया? फोर्थ नंबर। तो आप डायरेक्ट लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन थ्री इक्वल टू जेड प्लस फोर अपॉन सिक्स। और यही आपका क्या है? आंसर है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक एग्जाम्पल है, उसको भी ढंग से कर लेना क्योंकि इन दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा और एक अभी अपन जो 14.4 होगा उसमें और आता है एक क्वेश्चन फोटो परपेंडिकुलर का, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करना, कई बार एग्जाम पूछा गया है। आज के लिए इतना ही।